आई एम मनीला। मैंने NTSC ओखला से फैशन डिजाइनिंग का 3 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है, जिसके बाद मैंने अपना खुद का बुटीक सेटअप किया है। Once I completed my course, I would like to open my own bakery shop in Imphal, because bakery is not very common in Imphal as of now, but in the near future I think it would have started. The course is so helping me so much. Mera naam Ankita hai. Maine NSIC se July 2012 mein EDP course kiya tha, soya milk aur tofu manufacturing ka. Abhi main 3 saal se apna successful business run kar rahi hu aur maine 5 logon ko aur employment diya hai. We were trying to find out a platform so that we can contact with people in an expand way, entire Assam, or let's say out of Assam. We approached NSIC and they advised us to go for a small training, obviously. And after the training, especially our training head and our general manager, sir, they all of them gave us lots of advice. They showed us the right path. They also helped us to contact where to contact and whom to contact, so that we can expand our business. They have given lots of platform, let's say trade fair, and we are also planning, hopefully by next year, if we can go for some international trade fairs. So they have also guided us in that manner. मेरा नाम अनुराधा है और मैं NSIC की स्टूडेंट रही हूँ लास्ट ईयर से। अप्रैल में मैंने यहाँ से स्पाइसेस का कोर्स किया था और उसके बाद मैंने अपना यूनिट लगाया सैफ्रॉन और हींग के लिए। इसमें मैं माल मार्केट से खरीदती हूँ और ये हाउसवाइफ से और कुछ लेबर से मैंने साथ में इनको अटैच करी। 20 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं इस वक्त, डायरेक्टली काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली और भी बहुत सारे लोग हैं। उनको मैं घर में ही उनको छोटी छोटी मशीन है मैंने उनको प्रोवाइड कर दी है, ताकि वो लोग पैकिंग करते हैं और मुझ तक मेरा सामान जब मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना होता है तो पहुंचा देते हैं। NSIC का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा है। मेरा नाम आदर्श कुमार, मेरी वाइफ शशि देवी है। हम दोनों लोगों ने 2014 में NSIC से सोप एंड डिटर्जेंट्स का कोर्स किया है। कोर्स करने के बाद हम लोगों ने अपनी एक यूनिट डाली छोटी सी, जिसमें हमारा अच्छा मतलब प्रोडक्शन होने लगा। जगह कम पड़ने की वजह हमने अपनी दूसरी यूनिट डाली रखी, जिसमें हमने 7-8 वर्करों को अपना रोजगार भी दे रखा है। NSIC से हमें काफ़ी टेक्निकल प्लस मार्केटिंग का अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। मैं चाहता था अपने काम की शुरुआत करना, जिसका रास्ता मुझे NSIC ने दिखाया। मैंने 2014 में NSIC से कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का कोर्स किया और मुझे यहाँ से बहुत हेल्प मिली। उसके बाद मैंने जॉब की, 4-5 महीने जॉब करने के बाद अभी पिछले 3 महीने से मैं अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला रहा हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश वाधवानी है। मैंने NSIC से टॉयलेट और कपड़े की 3 महीने की ट्रेनिंग ली है और अपना बिजनेस सक्सेसफुली रखा है। आई एम प्रतिभा। मैंने NTSC ओखला से अपना फैशन डिजाइनिंग 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कम्प्लीट किया है और मैंने जॉब की अप्लाई किया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैंने NSIC इनक्यूबेटर से EDP कोर्सेज किया है सोया फूड प्रोसेसिंग का। इसमें मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सोया मिल्क, सोया दूध, सोया पनीर, सोया नट, सोया लस्सी इत्यादि। और हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस रोज़गार में मैंने अपने साथ कम से कम 12 लोगों को और इंक्लूड किया है। सबका अच्छे से चल रहा है, उनका बैलेंस सैलरी जो है हम अच्छे से दे पाते हैं। और इसमें इसके अंदर हमें NSIC ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया, टेक्निकल और इकोनॉमिकल हमें सहयोग दिया है और हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने NSIC इनक्यूबेटर से 2010 में मसाला पीसने की ट्रेनिंग ली थी, जिसकी वजह से मैं आज अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहा हूँ।